नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बस कुछ समय में टॉस होने वाला है और जो भी टीम टॉस जीतेगी, हो सकता है वही टीम मैच भी जीत जाए। मगर दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीम टॉस जीतने वाली है और कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। अगर हम एक नज़र डालेंगे पिछले रिकॉर्ड पे, जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में आज तक के इतिहास में टोटल 11 मैच खेले जा चुके हैं, 11 में से 8 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं और केवल 3 मैच भारत जीत पाया है। यानी कि दोस्तों, न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम काफ़ी पीछे है रेस में। अगर हम बात करें पहली बार कब मैच हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, तो वो हुआ था 16 तारीख महीना 9 2007 को, और इस मैच को न्यूजीलैंड ने 10 रन से अपने नाम कर लिया था। वहीं दूसरा मैच 25 2 2009 को खेला गया था AMI स्टेडियम में, जिसको भी न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया था। उसके बाद तीसरा मैच 27 2 2009 को खेला गया था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में, जो कि T20 मैच है। इसके बाद चौथा मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में 11 9 2012 को खेला गया, और यहां पे भी न्यूजीलैंड ने 1 रन से, यानी दोस्तों बहुत कांटे का मैच रहा ये वाला, और इस मैच को केवल 1 रन से न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया। और इसके बाद 15 3 2016 को विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, इस मैच को भी न्यूजीलैंड ने 47 रन से अपने नाम कर लिया। और उसके बाद दोस्तों, मैच हुआ 1 तारीख महीना 11 2017 को, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में खेला गया था, और इस मैच को भारतीय टीम ने 53 रन से जीत लिया और अपने नाम कर लिया, और यहीं से अपनी जीत की शुरुआत कर दी। मगर क्या पता था कि आने वाले मैच को फिर दोबारा हारने वाले हैं। और उसके बाद 4/11/2017 को फिर दोबारा आमने सामने हुई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, मगर इस मैच को न्यूजीलैंड ने 40 रन से अपने नाम कर लिया। और उसके बाद दोबारा मैच हुआ 7/11/2017 को, और इस मैच को भारतीय टीम ने 6 रन से अपने नाम कर लिया। काफ़ी कांटे का मैच रहा था ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट मैच हुआ था 6/2/2019 को, जो कि दोस्तों पिछली साल हुआ है, और इस मैच को न्यूजीलैंड ने 80 रन से अपने नाम कर लिया था। और उसके बाद 8/2/2019 को ईडन पार्क में मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, और इस मैच को भारतीय टीम ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। और उसके बाद 10/2/2019 को सोडन पार्क में मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, और इस मैच को न्यूजीलैंड ने 4 रन से अपने नाम कर लिया। और आज होने वाली है कड़ी टक्कर, जो दोस्तों ईडन पार्क में होने वाली है। काफ़ी छोटा ग्राउंड है, बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। अगर आप देखेंगे इसकी जो बाउंड्री है, वो दोस्तों केवल बस 40-50 मीटर की बाउंड्री है। एक तरफ 40 मीटर है, एक तरफ 60 मीटर की है। कुल मिलाकर ये बात है कि चारों ओर से अगर आप देखोगे तो 60 मीटर से ज़्यादा कोई भी बाउंड्री नहीं है, तो काफ़ी छोटा ग्राउंड है। बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बल्लेबाजी के लिए तो अच्छा है, मगर जो गेंदबाज हैं उनके लिए थोड़ा ख़राब है। अगर हम डालें टीम इंडिया की ओर से कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं, तो दोस्तों वो नाम निकल के आता है पहले नंबर पे रोहित शर्मा, उसके बाद KL राहुल, विराट कोहली कप्तान, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद संजू सैमसन को मौका मिला है, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, ये खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद एक नजर डालते हैं कि न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 टीम क्या रहने वाली है, दोस्तों वो है कॉलिन मुनरो, मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन जो कि कप्तान है इस टीम, उसके बाद टीम सीफर्ट हैं, रोस टेलर हैं, कॉलिन है, उसके बाद डेरल मिसेल है, उसके बाद मिसेल सेंटनर है, इसके बाद ईसा सोडी है, टीम सऊदी, स्कॉट कगलिन, ये दोस्तों खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं दोनों टीमों की ओर से। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत के साथ स्टार्ट करना चाहेगी, और 5 T20 मैच खेले जाने हैं भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में, तो दोस्तों देखना ये होगा कि इस सीरीज को कौन सी टीम जीतने वाली है। अगर आप भी भारतीय टीम को जिताना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसी क्रिकेट वाली खबरें और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्रिकेट की खबरें सबसे पहले मिलती रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।